Hello everybody, welcome to today's class. In the previous class we have covered Bitcoin, we have covered how blockchain works, what is blockchain. So पहले एक बार revise करते हैं क्या है, फिर Ethereum पे चलते हैं. So कोई भी explain करना चाहेगा कि blockchain क्या है, क्या हमने सीखा था last class में. तो basically blockchain जैसे word से हमें पता चलता है कि number of blocks चेन टुगेदर. अभी कैसे चेन होते हैं ये हमने देखा था कि जैसे ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, इसके पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश रहेगा. इस ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश रहेगा, इस ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश रहेगा. ऐसे करते ये चेन ग्रो होती है. अब ये ब्लॉक कैसे ऐड होता है, ब्लॉक कैसे बनता है, वो हमने कवर किया था. सपोज डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे हम कि जब भी कोई ए यूज़र बी को ट्रांसफर करता है कुछ भी अमाउंट, ट्रांजैक्शन होती है. सपोज इसने किया 5 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की इसने, तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये ट्रांजैक्शन पूल पे चली जाती है जहाँ पे बहुत सारी अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस रहती हैं. जो हमारा माइनर होता है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को यहाँ से उठाता है, एक ब्लॉक बनाता है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डालते हैं. फिर हम पुराने वाले जो पहले से ब्लॉकचेन है हमारी उसके पुराने वाले का हैश निकालते हैं, उसको डालते हैं. तो अब हमारे पास ब्लॉक में क्या क्या आया अभी तक, प्रीवियस ब्लॉक का हैश आया, राइट. उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन उसने ट्रांजैक्शन पूल से निकाली है वो सारी ट्रांजैक्शंस आई. उसके बाद क्या करता है, वो एक नॉन्स वैल्यू निकालता है. नॉन्स वैल्यू कोई भी एक रैंडम वैल्यू जिसका हैश करने पर हमारे पास एक टारगेट हैश आ जाता है. टारगेट हैश कैसे हम डिफाइन करते हैं कि वो हैश के स्टार्टिंग में कितनी जीरोज़ हैं, वो डिसाइड करती है कि वो हमें हैश अचीव करना है. तो ये वाली ट्रांजैक्शंस और उसके साथ जो हम एक रैंडम नंबर जोड़ रहे हैं नॉन्स वैल्यू, उनको हैश करके जब हमारा टारगेट हैश आ जाता है हमारे पास, तो हम इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर देते हैं. तो ये तो था कि बिटकॉइन कैसे काम करता है और ब्लॉकचेन में ब्लॉक कैसे ऐड करते हैं. आज हम देखने वाले इथेरियम हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, कैसे इथेरियम ब्लॉकचेन काम करती है और क्या क्या नई चीज़ें इसके साथ आती हैं. तो पहले हम देखेंगे इथेरियम क्या है, उसके बाद देखेंगे बिटकॉइन और इथेरियम में फ़र्क क्या है, हम इथेरियम पे गए क्यों, ठीक है. देन क्या फीचर्स हैं, सॉलिडिटी एक्सप्लोर करेंगे, रिमिक्स देखेंगे और इथर स्कैन देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने भी बात की कि बिटकॉइन कैसे काम करता है या ब्लॉकचेन में कैसे ऐड होता है. बिटकॉइन ने हमें क्या दिया, बिटकॉइन ने एक हमें डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी दी जिससे कि हम ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं पीयर टू पीयर में, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, सिक्योर होती है, जल्दी हो जाता है. तो इसने क्या किया था मेनली, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस प्रीवियस क्लास, तो ये जो बैंकिंग सिस्टम होता था ना कि जब एक यूज़र को दूसरे को पैसे भेजने हैं तो उसको बैंक को बताना पड़ता था कि ये अमाउंट मुझे इसको भेजने, तो बैंक क्या करता था, इसके में से माइनस करता था और इसके में प्लस करता था. तो हम डिपेंड कर रहे थे बैंक पे. अभी बिटकॉइन से हमने इसको डिसेंट्रलाइज्ड किया क्रिप्टो करेंसी को. एक बंदा जब दूसरे पे ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ को जज करने के लिए. अब हम और क्या डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, हमने क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज कर दी. बेसिकली हमने जो हमारा ट्रांजैक्शन वाला पार्ट था कि किसी थर्ड पार्टी पे हमें ना डिपेंड करना पड़े, वो हमने बिटकॉइन की मदद से डिसेंट्रलाइज्ड किया. और क्या कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है, वोटिंग सिस्टम में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोट काउंट करते हैं. अगर हम उसको किसी तरह डिसेंट्रलाइज कर दें कि हमें जो इलेक्शन कमीशन है उस पर डिपेंड ना करना पड़े वोटिंग काउंट का, वोट्स आएँ और जो भी पार्टी जीतती है उसको जो भी उनका आगे की प्रोसीजर होता है वहाँ चला जाए. या फिर जैसे हम कभी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या होता है, एक बायर होता है एक सेलर होता है, ठीक है. बायर ने अमाउंट दी, अब बीच में जो लोग आते हैं जैसे कि जो रजिस्ट्री करवाते हैं वो लोग आते हैं, या फिर ब्रोकर्स आते हैं, या फिर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, LX जो है वो बायर है, ठीक है, और सपोज़ बॉब जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है. एलेक्स को वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसको एक एग्रीमेंट बनवाना होगा, राइट. जो हम एग्रीमेंट बनवाते हैं ब्रोकर्स के थ्रू या फिर जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है उनके थ्रू, तो ये जो आता है इसमें बीच में कौन कौन आया, ब्रोकर आया, जो भी प्रॉपर्टी सेलर वाली एजेंसी है वो आएगी, हाँ, जो भी रजिस्ट्री कर रहे हैं वो आएगा, और फिर इसके बाद
जो हमारा सेलर है उसके पास अमाउंट जाता है. तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट या ये जो एक एग्रीमेंट बनता है जो इन लोगों के थ्रू बनता है, अगर हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दें कि हमें इन लोगों की नीड ना पड़े, अगर बायर को खरीदना है वो अमाउंट दे, जो भी इफ एंड एल्स लगते हैं कि ये वाली रजिस्ट्रीज के नाम पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब हो जाए और सेलर को चले जाइए. जो नीड है ना ये ब्रोकर्स की या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की, इनको हटा दे, जो सेंट्रल अथॉरिटी है इनको हटा दे. तो इस तरह से हम इस सिस्टम को भी डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं. अब जब हमें इन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना है तो तब आता है हमारे पास इथेरियम. इथेरियम जो है विटालिक ब्यूटरिन ने दिया था 2013 में और ये लॉन्च हुआ था 2015 में. ये बेसिकली एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिस पे तुम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हो या फिर रन कर सकते हो. डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि हम वोटिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं या फिर हम प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं. तो उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जिनके थ्रू हम ये कर सकें. तो जो इथेरियम है ना वो हमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ऐसे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. अब ये तो दो वर्ड्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डी एप्स. ये हम आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, ये आगे कवर करेंगे. मेन मोटिव इसका यही था कि हमें जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है वो हटाना है. इसकी भी एक क्रिप्टो करेंसी है इथर, जो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन. और जैसे हम बिटकॉइन में बात कर रहे थे कि हर एक ब्लॉक 10 मिनट में ऐड होता है, जो एवरेज टाइम है ब्लॉक ऐड होने का ब्लॉकचेन में वो 10 मिनट है. इसमें क्या होता है, इसमें 15 सेकेंड में एक ब्लॉक आ रहा होता है ब्लॉकचेन में. तो इसका TPS 15 सेकेंड है. बाकी यू कैन एक्सप्लोर दिस डॉक्यूमेंटेशन जिसमें और डिटेल में ये सब बताया हुआ है. तो जैसे हमने बात की कि इथेरियम क्या दे रहा है हमें, इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे हम जो डी एप्स की बात करें, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वो रन कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. ठीक है, इसकी भी क्रिप्टो करेंसी है इथर जिसके लिए जाना जाता है. ठीक है, अब हमें पता है कि इससे भी हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं और बिटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज के लिए था, उधर भी क्रिप्टो करेंसी थी हमारे पास. तो अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है, कि ये सेम है कि डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी. ठीक है, इथेरियम उसके बाद आया और इथेरियम सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है. जो इसका इथर है ना वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है. अब जो बिटकॉइन था उसका यूज़ केस क्या था, कि हम उसको ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, बेसिकली हम उसको बस करेंसी की तरह यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन इथेरियम में क्या कर सकते हैं, हम इथेरियम में उसको करेंसी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या मल्टीपल एप्लीकेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी भी देता है, फीचर्स है. उसके बाद प्राइस है कि ऑल टाइम हाई है इसका. जून 2024 में $66,876 इसका प्राइस है बिटकॉइन का, और इथेरियम का $3,467 है. बाकी जैसे हमने पढ़ा था कि बिटकॉइन पे एक सर्कुलेशन कैप है, मतलब कि सिर्फ 20 मिलियन बिटकॉइन ही मार्केट में आ सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं. इथेरियम में ऐसा कोई सर्कुलेशन कैप नहीं है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है. तो ये है मेजर डिफरेंसेस कि इथेरियम और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है. ये ग्रोथ चार्ट है कि बिटकॉइन कैसे बढ़ रहा है टाइम के साथ. नेक्स्ट हमारे पास है इथेरियम कैसे बढ़ रहा है टाइम के साथ. सो यू गाइस कैन कंपेयर दिस. ठीक है, तो अभी तक जो हमने मेजर डिफरेंस पढ़ा वो यही था कि बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी थी सिर्फ, और इथेरियम में क्रिप्टो करेंसी के साथ एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नाम की टर्म है, टर्म या फिर फीचर है इसका बोल सकते हैं. बिटकॉइन के अंदर क्या आ रहा था, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को हम ब्लॉकचेन पर डाल रहे थे. इथेरियम ने क्या दिया, इथेरियम ने हमें दिया कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन. कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं कि जब हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो जो बीच में लोग आते हैं, जो एग्रीमेंट कराते हैं या जिनके प्रेजेंस में हमारा एग्रीमेंट होता है, उनको हम रिमूव करें, उसकी जगह हम एक कोड लाएँ जो कि इफ़ और एल्स पे चले. वो देखे कि ठीक है यार, इसने इसको पैसे दे दिए, इसके बाद क्या है, अगर पैसे दे दिए हैं तो आगे रजिस्ट्री उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो या जो भी आगे का प्रोसीजर हो वो हो, उसके बाद सेलर के पास पैसा जाए. तो इसको जब हम रिप्लेस करते हैं ना, जो थर्ड पार्टी है उसको जब हम रिप्लेस करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या है वो आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ इट्स अ फीचर दैट इथेरियम प्रोवाइड्स अस.
जैसे कि अभी तक बात कर रहे हैं कि की फीचर्स जो इथेरियम के, पहले है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है डाउज, फिर डीएप आता है और फिर ईवीएम आता है। एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला ईथर। ईथर जो अभी तक हम बात करते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम की है, तो ये नेटिव क्रिप्टो करेंसी इथेरियम नेटवर्क की। इसको बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम रन कर रहे होते हैं, जैसे हम बिटकॉइन में एक फ़ी पे करते थे ना, ऐसे यहाँ पे भी जब हम कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं या इथेरियम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक एक यूज़र से दूसरे यूज़र में कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो एक फ़ी पे करनी पड़ती है जिसको हम यहाँ पे गैस बोलते हैं। ईथर की जो छोटी यूनिट है ना, वो है जी वाई, गीगा वाई बोलते हैं इसको, जो कि गैस को मेज़र करती है। जैसे डॉलर की छोटी यूनिट हो गई सेंट हो जाता है, ऐसे ईथर की छोटी यूनिट है गीगा वाई। ठीक है, एक गीगा वाई इतना ईथर होता है। जब हम बिटकॉइन पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या हो रहा था कि जब भी किसी को एक ब्लॉक ऐड करना होता है तो उसको एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना होता है। जैसे कि सपोज ये मेरी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूल है, है ना। अब क्या करेगा, जो माइनर होते थे वो इधर से ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते थे, उसके बाद वो नॉन्स वैल्यू निकालते थे। जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, अब ये नॉन्स वैल्यू निकालने के लिए, नॉन्स वैल्यू मतलब वो जो रैंडम नंबर हम निकाल रहे हैं जिससे कि हमारा टारगेट हैश अचीव हो सके, उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। सपोज़ कि मतलब जो छोटी कंट्रीज होती है उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसमें लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो था हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, ही मतलब इतना ज़्यादा पावर लगाई, जिसने वो पजल सॉल्व कर लिया वो ब्लॉक ऐड कर सकता था ब्लॉकचेन में। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क में ये था। तो यही था कि माइनर्स को एक डिफ़िकल्ट पजल सॉल्व करना होता था कंप्यूटर पावर से। अब अगर किसी हैकर को या किसी को एक मलिशियस ब्लॉक डालना है ना, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ब्लॉक नेटवर्क में 51% ऑफ कंप्यूटर्स जिनके पास जितनी पावर लग रही है उसको उतनी पावर चाहिए होगी, तभी वो एक ब्लॉक ऐड कर पाएगा, मलिशियस ब्लॉक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों माइनर्स हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स है या फिर जिससे वो कंजप्शन कर पा रहे हैं और क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व कर पा रहे हैं। सेम इसके पास है, सेम इसके पास है, ऐसे बहुत सारे माइनर्स होंगे नेटवर्क में। अब अगर एक हैकर को या किसी को एक मलिशियस ब्लॉक डालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना ये लोग रिसोर्स लगा रहे हैं उसका 51% इसको लगाना पड़ेगा ताकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि ये पजल सॉल्व कर पाए और ब्लॉक ऐड कर पाए। ठीक है, जो भी सॉल्व कर लेता था उसको हम रिवॉर्ड दे देते थे। ठीक, अब POS क्या है, POS में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, हर कोई माइनर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, तो POS में क्या हुआ, POS में एक एल्गोरिदम के बेस पे जो भी ब्लॉक ऐड करेगा उसको सिलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे माइनर जो हम बात कर रहे हैं माइनर की बिटकॉइन के केस में, अब यहाँ पे वो हो जाता है वैलिडेटर, उसको वैलिडेटर टर्म बोलते हैं। वैलिडेटर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईथर या फिर जो उनके पास स्टेक है, स्टेक वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, कि उनको ब्लॉकचेन पे इतना स्टेक डालना पड़ेगा, इतना अमाउंट डालना पड़ेगा जिसके पास भी ज़्यादा स्टेक होगा। एग्जांपल लेते हैं ए सी डी, अभी चार बंदे हैं बैठे हैं ब्लॉक ऐड करने के लिए ब्लॉकचेन में। सपोज इसके पास 20% है ईथर्स, या फिर इसके पास 30 है, या फिर इसके पास 10% है ईथर्स, 5% है, तो ये लोग क्या करते हैं, जितना इनके पास ईथर है ना उसको ब्लॉकचेन में डालते हैं। ब्लॉकचेन में जब ये डालते हैं तो उसके बदले इनको कुछ रिवॉर्ड्स की तरह टोकन वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, अब जिसके पास भी ज़्यादा वो होगा ना स्टेक, जिसके पास भी ज़्यादा उसने ब्लॉकचेन में डाल रखा होगा ना पैसा या फिर जो हम बोलते हैं ईथर डाल रखा है, उसको मिलती है कि वो ब्लॉक ऐड कर सकता है, उसको परमिशन मिलती है, फिर वो एल्गोरिदम उसको सिलेक्ट करती है कि ये जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा ये डालेगा, ये वाला वैलिडेटर डालेगा।
तो अब यहाँ पे वो कंपटीशन तो हट गया, यहाँ पे किसी को वो कोई पजल सॉल्व नहीं करना, वो एल्गोरिदम सिलेक्ट करती है कि किसके पास स्टेक ज़्यादा है वो नेक्स्ट ब्लॉक डालेगा, ठीक है। अब अगर मलिशियस ब्लॉक डालना है इस केस में, तो क्या होगा कि जितना नेटवर्क में जितने भी माइनर्स ने एक पर्टिकुलर स्टेक डाल रखा है अपना, उसको 51% ऑफ उनका स्टेक डालना पड़ेगा, तभी उसके पास चांस आएगा कि वो ब्लॉक ऐड कर पाए, राइट। तो इधर क्या था, इधर उसको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए थी, इधर उसको स्टेक चाहिए, जितना उनके पास स्टेक है उसका 51% उसको स्टेक चाहिए, तभी उसको मौका मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉक डालने का। जैसे यहाँ पे हम रिवॉर्ड देते थे ना, कि अगर एक ब्लॉक किसी माइनर ने डाला सॉल्व करके पजल, तो यहाँ पे हम रिवॉर्ड देते थे जो कि 50 बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, फिर हालविंग के बाद अभी 3.39 बिटकॉइन है। यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं होता, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें जो गैस पे होता है, गैस मतलब जो फी पे होती है वो मिलती है वैलिडेटर्स को। तो ये था बेसिक डिफरेंस, बाकी इसको और अच्छे से देखते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, लेट्स सी दैट। जैसे कोक और पेप्सी में कौन सा बेटर है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक कंसेंसस ऑफ ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, कौन ब्लॉक ऐड कर सकता है वही तो डिसाइड कर रहे हैं दोनों। सारे ब्लॉक ऐड ना करने लगे, अगर ये मैकेनिज्म नहीं होगा, POW या POS नहीं होगा, तो क्या होगा, हर कोई ब्लॉक ऐड कर सकता है ब्लॉकचेन में, मलिशियस ब्लॉक इजीली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने POW और POS लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, स्टार्ट होती है बात बिटकॉइन कैसे आया, बिटकॉइन 2008 में आया, सतोशी नाकामोटो नाम का एक ग्रुप था जिन्होंने एक ट्रस्टलेस नेटवर्क बनाया जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन जो थी वो करी जा सकती हैं बिना कोई थर्ड पार्टी के, ठीक है। अब सतोशी नाकामोटो ने क्या किया था कि हर कोई ब्लॉक ना डाल दे, हर कोई ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड ना कर दे, उसके लिए उसने क्रिप्टोग्राफिक पजल या फिर जो हम बात करते हैं POW की, वो रखा कि एक पर्टिकुलर माइनर को ब्लॉक ऐड करने के लिए एक कंप्यूटेशनल पावर लगेगी, मतलब उसको वो पजल सॉल्व करना पड़ेगा, अगर वो पजल सॉल्व कर देता है तो उसको मौका मिलता है कि वो ब्लॉक ऐड कर सके, राइट। तो जैसे वही है कि माइनर को बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, जितना काफ़ी कंट्रियों का कंजप्शन है ना उतना बिल आता था, तो इसको, तो ये था मेन वो लॉजिक कि POW में क्या हमें नेगेटिव साइड है, क्या डिसएडवांटेज है, कि वहाँ पे हमें कंजम्पशन पावर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे POS में क्या किया, जैसे बोला कि माइनर्स को हमने वैलिडेटर्स नाम दिया, अब जो वैलिडेटर्स होते थे उनको एक पर्टिकुलर स्टेक ब्लॉकचेन में डालना होता था, जिसके रिटर्न में उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स या कुछ टोकन्स मिल जाते थे, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टेक उन्होंने डाला, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ तो रिवॉर्ड मिला। अब एक एल्गोरिदम चलती है जो कि डिसाइड करती है कि इन यूज़र्स में से किसके पास स्टेक ज़्यादा है, किसने स्टेक ज़्यादा डाला हुआ है ब्लॉकचेन में, ठीक है। जिसने भी डाला होगा उसको मौका मिलेगा कि वो ब्लॉक ऐड कर सकता है ब्लॉकचेन में। सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस इन POW और POS। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। हम ये टर्म सुन रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम ने इंट्रोड्यूस किया, या फिर ये की फीचर था इथेरियम का, तो ये बेसिकली है क्या, सेम एग्जांपल जो अभी तक हम ले रहे हैं कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमारे पास एक होगा बायर, एक होगा सेलर, उसके बीच में ये लोग आते हैं, लॉयर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इनके साथ बैठ के एक एग्रीमेंट बनता है कि ये बंदा ये प्रॉपर्टी इसको बेच रहा है, ठीक है। तो जो भी होती है रजिस्ट्री होती है, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सब होता है, ठीक है। तो वो इन लोगों की प्रेजेंस में होता है। अब अगर हम इन लोगों को हटा दें और उसकी जगह एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें कि यार अगर इसने पैसे दे दिए और ये सारी कंडीशन मेट हो गई हैं, तो सेलर के पास पैसा चला जाए, सारी कंडीशन मतलब वही कि उसके नाम पे हो गई है सारी चीज़ें या जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने थे वो हो चुके हैं। तो बेसिकली ये लोग जो काम करते थे ना, अगर हम उसको एक प्रोग्राम के थ्रू करवाएं, तो वो था यहाँ पे डिसेंट्रल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉजिक। सेम जैसे कि हम चाहते हैं कि एक इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक प्रोग्राम रन हो,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो भी हमारी ब्लॉकचेन पे है उस पर एक प्रोग्राम रन हो रहा है बेसिकली। इसका डिजिटल प्रोटोकॉल है जो कि वेरीफाई करता है, कंट्रोल करता है एग्रीमेंट्स को अपने आप, बिना कोई थर्ड पार्टी के, ठीक है। ब्लॉकचेन पे हम कुछ भी दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये इम्यूटेबल कोड और डेटा जो कि ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है या रहता है, ठीक है। बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, वो इथेरियम अकाउंट्स हैं जिनके पास कुछ तो बैलेंस है जिससे वो अपने आप ऑपरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब भी कोई यूज़र है, यूज़र ने एक ट्रांजेक्शन की तो एक फंक्शन कॉल होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि वेरीफाई करेगा कि ठीक है ये, अगेन द सेम एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं, बायर ने ट्रांजेक्शन की थी सेलर को कि हमें ये ख़रीदना है, वो ट्रांजेक्शन हुई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल गई कि ठीक है ये बायर है, इसने इतना अमाउंट पे कर दिया है, अब चेक करो सारी कंडीशंस कि वो लैंड अवेलेबल है या नहीं है, किसी और ने तो पहले नहीं खरीद रखा, या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो जो बेच रहा है उसके नाम पे है नहीं है, जो भी इफ़ और एल्स होते हैं ना वो सब एग्जीक्यूट होंगे। तब तक के लिए क्या करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अमाउंट होगा होल्ड करेगा, जैसे ही सारी कंडीशन मेट हो जाती है तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये सेलर को पैसे भेज देगा। तो अब हमें इधर किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ब्रोकर की ज़रूरत पड़ी, ना रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, एंड ऑल वही था। ट्रेडिशनल में क्या होता था, दो पार्टीज़ मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था, थर्ड पार्टी जो होती थी वो एग्जीक्यूट करती थी। अब हमने थर्ड पार्टी को रिप्लेस करके यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया, जो कि एक बेसिकली प्रोग्राम है जो अपने आप रन हो रहा है ब्लॉकचेन पे। अब काम कैसे करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं, जिन भी दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है, पहले तो उनकी कंडीशंस क्या है, क्या बेसिक लॉजिक है जिस पे वो एग्रीमेंट बनेगा, वो आइडेंटिफाई करते हैं। मल्टीपल पार्टीज़ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या आउटकम होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके बाद वो कंडीशंस रखते हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा। जब मतलब कब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, जैसे सपोज़ हमने बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी वाली, तो अगर बी को बेचना होगा और ए ने पैसे डाले तभी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा ना, तो वो कंडीशंस रखते हैं। उसके बाद ये पूरा जो प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं ये कोड करते हैं, उसके बाद जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें अगर कोई भी यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि सबको एक्सपोज नहीं करनी होती है, उसको हम इनक्रिप्टेड रखते हैं और इसको ब्लॉकचेन पे डालते हैं। जब ये ब्लॉकचेन पे डल गई उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद नेटवर्क पे अपडेट कर देंगे। अगेन एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारी ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब हमने एक प्रोग्राम लिखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें काफी सारे इफ और एल्स हैं और एक कंडीशन है कि ये कब रन होगा, जब भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा, क्या एग्रीमेंट है, अगर प्रॉपर्टी का है तो, अगर उसने पैसे भेजे हैं और रजिस्ट्री उसके नाम पे, सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट ईवीएम पे रन होता है। ईवीएम क्या होता है, इथेरियम वर्चुअल मशीन जिसको हम बोलते हैं, उस पर ये कॉन्ट्रैक्ट रन होता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट रन हो जाता है, सारी कंडीशन मेट हो जाती है, तो वो जो सेकंड पार्टी है उसको ट्रांजैक्शन भेज देते हैं और वापस से ब्लॉकचेन पे अपडेट हो जाता है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। सपोज दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं, एलेक्स और बॉब का, ठीक है। दोनों को एक गार्डनिंग कंपनी खोलनी है जो कि मल्टीपल गार्डन्स को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि उनका जो शेयर है वो 50-50% रहे, ठीक है, कि जब भी अगर प्रॉफिट आए तो 50-50 डिवाइड हो जाए। तो वो क्या करेंगे, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कि कंपनी में जब भी प्रॉफिट आएगा तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कि जब भी कोई प्रॉफिट आएगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप 50-50
डिवाइड कर दे दोनों को, जो भी प्रॉफिट आया उसका 50% एलेक्स के अकाउंट में डाल रहे और 50% बॉब के अकाउंट में डाल दे। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं उनको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इनके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, ऑटोनोमस है, ट्रांसपेरेंट है, जो भी हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। टोकन बेस्ड गवर्नेंस है, टोकन बेस्ड का मतलब क्या है कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी डालते हैं जिसके बदले उनको टोकन मिलते हैं। जैसे कि अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिख रहे हैं वो भी तो एलेक्स और बॉब मिलके ही लिख रहे हैं, राइट, कोई थर्ड बंदा तो आके लिख नहीं रहा। तो अब इसमें एलेक्स ने बोला कि ये चेंज होगा, सपोज कुछ ए चेंज होगा, बॉब ने बोला बी चेंज होगा, अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला चेंज लगना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, एलेक्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी डालेगा जिसके, जैसे सपोज उसने 20 बिटकॉइंस डाले, इसने 80 बिटकॉइंस डाले, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके बदले इसको कुछ टोकन्स मिलेंगे। टोकन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो धीरे धीरे हम समझेंगे। बेसिकली जब हम क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में कुछ ले रहे होते हैं उनको हम टोकन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एक्सचेंज में उसने सपोज 10% टोकन लिए, इसने 90% टोकन लिए, तो अब जिसके पास ज़्यादा टोकन्स होंगे ना उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी ये डिसाइड करने की कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंज होगा, जिससे कि अब ये ना रहे कि इसकी मर्जी चलेगी या इसकी मर्जी चलेगी। तो इसको डिवाइड करने के लिए टोकन बेस्ड गवर्नेंस इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं डाओ में। एग्जाम्पल है द डाओ, डेवलपर डाओ। सो जो भी क्यूरियस है द डाओ कैसे काम करता है देख सकते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे लिंक अटैच है। और एक और चीज़, द डाओ हैक जो मेजर इवेंट था इथेरियम में, वो ज़रूर पढ़ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम तब से बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली वो एप्लीकेशंस जो ब्लॉकचेन पे चल रही हैं बिना कोई थर्ड पार्टी के, बिना कोई सेंट्रल अथॉरिटी के। कैसे काम करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे अभी हमने बात किया कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी या जो बीच में लोग आ रहे हैं उनको हटा के एक प्रोग्राम हम लिखते हैं ब्लॉकचेन पे, ठीक है, जो कि ऑटोमेट करता है ट्रांजैक्शंस या एग्रीमेंट वाला पार्ट, ठीक है। ब्लॉकचेन हमें पता ही है कि जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को सिक्योरली। यूज़र इंटरेक्शन मतलब यूज़र कैसे एक्सेस करेगा, तो वो डी ऐप में हमारे पास यूज़र इंटरेक्शंस के लिए हम फ्रंट एंड बिल्ड करते हैं, फिर यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो इसका पूरा आर्किटेक्चर समझते हैं, ये हमारे पास यूज़र है, ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन से हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, राइट। तो यूज़र जो होता है ब्राउज़र के थ्रू एक फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि एक ट्रांजेक्शन कर रहा है बेसिकली फ्रंट एंड से ब्लॉकचेन पे। तो वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके लिए हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ है पहले से ब्लॉकचेन पे, ठीक है। तो जब यूज़र फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है ना, उसके बाद वो ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है। ब्लॉकचेन पे कहाँ रन होता है, ईवीएम पे रन होता है, और जो भी होता है उसके बाद अपडेट कर देते हैं ब्लॉकचेन पे। अगेन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक डी ऐप है, ठीक है, जिसमें बायर्स जो हैं वो सेलर्स जो है वो प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हैं और बायर्स जो है उसमें से खरीद रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, सपोज़ कोई भी यूज़र आया उसको ख़रीदनी है वो प्रॉपर्टी, उसने बाय पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शन की, तो ये डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन है, उसने कुछ बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए। अब उसने जब वो किया बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किया, तो वो ट्रांजेक्शन पूल में चली गई जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं। उसके बाद वैलिडेटर्स ने इसको ब्लॉक में डाला और ये ब्लॉकचेन में गई, ठीक है। अब जब ये ट्रांजेक्शन हुई ना, तो क्या हुआ कि क्योंकि ये बाय कर रहा है लैंड, इसके पीछे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कोड करते हैं कि यहाँ से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर पाए, जब भी कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो उसके बाद ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हो जाए। तो ये जब हम फ्रंट एंड कोड करते हैं वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, उसने अब कोड किया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हुआ, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कंडीशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है, इफ एल्स चलते हैं। उसके बाद जब ये कंडीशन मेट हो जाती है ना, तो सेलर के अकाउंट में पैसे चले गए और ये जो था ये अपडेट हो गया हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन पे, मतलब
जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले से ब्लॉकचेन पे रहता है. जब भी कोई यूज़र ट्रांजेक्शन करता है तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल जाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है और उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी है उसके पास पैसे जाते हैं. तो ऐसे करके DApp की आर्किटेक्चर वर्क करती है. इसको हम खुद भी बनाएंगे कैसे बनाते हैं DApp. अभी हमने एक टर्म सुनी EVM, जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है. वर्चुअल मशीन सबने यूज़ किए हैं. वर्चुअल मशीन हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था क्या होता है. तो EVM जो है वो इथेरियम वर्चुअल मशीन है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करते हैं. ठीक है, ये क्या करती है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, नॉर्मली हम जब किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हम लिखते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज में. सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम बाकी सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं C++, JavaScript, ऐसी सॉलिडिटी है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए काम आती है. ठीक है, तो हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा सॉलिडिटी में. ठीक है, उसके बाद उसको कंपाइल किया. जब हम कंपाइल करते हैं ना तो ये बाइट कोड जनरेट करती है, वंस और जीरोस. ठीक है, ये जो बाइट कोड होते हैं ना ये एग्जीक्यूट होते हैं हमारे ये EVM जो हम बात कर रहे हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन्स पे, ये बाइट कोड एग्जीक्यूट होते हैं. तो वही है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाइट कोड है उसको ये EVM एग्जीक्यूट करता है. ये जो होते हैं ये गैस को यूज़ करता है मेज़र करने के लिए, मतलब जो यहाँ पे गैस कैलकुलेट होती है ना वो उस पर कैलकुलेट होती है कि तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कितना कॉम्प्लेक्स है. जैसे यहाँ पे हमने बाइट कोड जनरेट किया, राइट, जब ये इस पर एग्जीक्यूट होता है ना तो उससे पहले ऑप कोड जनरेट होता है. ऑप कोड मतलब इसको क्या क्या रन करना है. नॉर्मली जब हम कोई भी प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं ना कि प्रिंट करना है या फिर रीड करना है या फिर कुछ अपडेट करना है. तो ऐसे जब हम बाइट कोड करते हैं उसके साथ एक ऑप कोड जनरेट होता है जो कि EVM को बताता है कि तुझे ये वो इंस्ट्रक्शंस रन करनी है. अब जितने नंबर ऑफ ऑप कोड होंगे उतनी ज़्यादा गैस होगी. गैस क्या थी, जो फी एक ट्रांजेक्शन के साथ जा रही थी. ठीक है, तो वही है, जितना ज़्यादा तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा उसमें गैस फी लगेगी, गैस लगेगी. ठीक है, EVM वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बाइट कोड को रन करता है. अब जब हम किसी को डिप्लॉय करते हैं ना, जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसको हमने कंपाइल किया, EVM पे रन हो गया. ठीक है, उसके बाद ABI और दो बाइट कोड हमारे पास जनरेट होते हैं. अब ये ABI क्या होता है, सबने API सुना है, API यूज़ किया है. तो ये ABI भी API की तरह होती है लेकिन बाइनरी लेवल पे. ये एक JSON फाइल होती है जो कि बताती है क्या मेथड, क्या स्ट्रक्चर रहेगा जब हम उसको इंटरैक्ट, जैसे कि ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, अब जब भी यूज़र किसी भी फ्रंट एंड पे कुछ ट्रांजेक्शन करेगा तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल जाएगी, क्या मेथड्स होंगे, क्या फंक्शन होगा, क्या इनपुट पैरामीटर्स जाएंगे, वो सब ये ABI में डिफाइन रहता है. बेसिकली जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो हमारा एप्लीकेशन हुआ DApp हुआ जिसपे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में ये ब्रिज होता है कि मतलब क्या मेथड्स या क्या फंक्शंस या क्या इनपुट पैरामीटर्स इसमें होंगे जिससे ये कॉल जाएगी. जब सो दिस इज वन एग्जांपल कि कैसे कहाँ देखते हैं. हमारे पास एक फोल्डर होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अंदर एक बिल्ड फोल्डर बनता है. जब भी हम कुछ कंपाइल करते हैं ना तो हमारे पास एक बिल्ड फाइल बनती है जो कि .json फाइल होती है. अब इस फाइल में ऐसे पैरामीटर होता है ABI का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इनपुट होंगे, क्या फंक्शन का नाम है, क्या आउटपुट देगा, आउटपुट का टाइप क्या देगा, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन रहता है जब भी हम कंपाइल करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो भी यूज़र कोई दे रहा है, जो भी यूज़र एक ट्रांजेक्शन कर रहा है और वहाँ से कॉल जा रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो जो चीज़ें उधर, मतलब क्या फंक्शन होगा, क्या इनपुट पैरामीटर होगा, वो सब चीज़ इसमें डिफाइन होती हैं. जो हम बाइट कोड की बात करें वो भी हम देख सकते हैं वो JSON फाइल में, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करने के बाद आता है. और जो ऑप कोड की हम बात कर रहे हैं ना कि जिसके बेस पे गैस फी मेज़र होती है, वो भी इस JSON फाइल में होती है. जैसे देख सकते हैं ये बाइट कोड है, ये ऑप कोड है. काफ़ी लंबा होता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जब वो रन होगा EVM पे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कॉल जाएंगी, वो सब ऑप कोड में डिफाइन होता है.
अब हमें पता है कि ठीक है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रोग्राम है और वो हम लिखते हैं सॉलिडिटी में. तो सॉलिडिटी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए बनाई गई है. इसका जो सिंटेक्स है जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट करी है उसके काफ़ी सिमिलर है और इसमें काफ़ी सारे डेटा टाइप्स फंक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सपोर्ट करता है ये. तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं जब हम सॉलिडिटी पे प्रोग्राम्स बनाएंगे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे तब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि ऐसे क्या होता है. अब हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं तो ये इसका सिंटेक्स है हेलो वर्ल्ड का. तो ये जो सबसे पहली लाइन है ना ये जो कमेंट है ये मैंडेटरी लाइन होती है. इसमें हम लाइसेंस डिफाइन करते हैं. MIT लाइसेंस ओपन सोर्स का लाइसेंस होता है जो सबको पता होगा. ठीक है उसके बाद जो सेकेंड लाइन है उस पर हम डिफाइन करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम लिख रहे हैं ना ये किस वर्जन में हम लिख रहे हैं. सॉलिडिटी का वर्जन किस में लिख रहे हैं. तो जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वर्जन कि इसके और इसके बीच के वर्जन में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं. देन हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे. जैसे यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसका नेम है हेलो वर्ल्ड. उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है से हेलो वर्ल्ड और उसके बाद यहाँ पे वो प्रिंट रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड. अभी जो फंक्शन है ये क्या करेगा जब भी यूज़र इंटरैक्ट करेगा यूज़र कहीं से इंटरैक्ट करेगा और ये वाला फंक्शन कॉल करेगा तो इस फंक्शन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है वो सब एग्जीक्यूट होती है. जैसे नॉर्मल हम फंक्शंस लिखते हैं नॉर्मल हम एप्लीकेशंस बनाते हैं या C++ के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वैसे ही है ये फंक्शन है. उसके अंदर कुछ कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो एग्जीक्यूट होंगी राइट. अब इसमें क्या नई चीज़ है कि यहाँ पे हम पब्लिक लिखते हैं प्योर लिखते हैं रिटर्न लिखते हैं. जो पब्लिक है मतलब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है ये प्रोग्राम फंक्शन. प्योर का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है ना तो ये कुछ मॉडिफाई कर रहा है ब्लॉकचेन पे ना ही ये रीड कर रहा है ब्लॉकचेन पे क्योंकि ये सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है. हम इससे ब्लॉकचेन से तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे ना यहाँ पे. तो इसलिए यहाँ पे हम प्योर लिख रहे हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम हम इस फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं वो ना तो ब्लॉकचेन की स्टेट को मॉडिफाई कर रहा है ना उसको रीड कर रहा है. ठीक है ये क्या रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जो कि यहाँ पे जब हम मेमोरी लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हम टेम्प्रेरी एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में जो कि है हेलो वर्ल्ड. अब जैसे सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनको कंपाइल हमारे पास कंपाइलर होते हैं काफ़ी सारे. ठीक है ऐसे ही रिमिक्स है. रिमिक्स एक ऑनलाइन टूल है इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने के लिए टेस्ट करने के लिए. ठीक है कोड एडिटर है सिंटेक्स हाईलाइट कर देता है एरर चेक कर देता है जैसे बेसिक VS कोड में हो जाता है सब कुछ. ठीक है सॉलिडिटी का सबसे पॉपुलर कंपाइलर है. इसकी जो यूजेबिलिटी और इसके जो फीचर्स है उसकी वजह से ये पॉपुलर है. इसमें डीबगर भी साथ में होता है. तो प्लेटफॉर्म देखता हूँ. जब आप रिमिक्स का आईडी खोलते हो तो ऐसा प्लेटफॉर्म आता है. पहले हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं. तो ये इसका UI है जिसमें हम रहते हैं. तो अब इसमें क्या है यहाँ पे साइड में हमें फोल्डर स्ट्रक्चर आता है जैसे नॉर्मल VS कोड में आता है फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे फोल्डर्स हैं. उसके बाद क्रिएट करने के ऑप्शन है और क्लोन करने के ऑप्शन है. डाउनलोड कर सकते हो आप इधर अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप लिख रहे हो. ठीक है यहाँ पे जाके स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक कर सकते हैं. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर वर्क स्पेसिस का एक कॉलम होता है यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम अपना एक वर्क स्पेस भी बना सकते हैं. वर्क स्पेस मतलब वही एक डायरेक्टरी बनाना उसके अंदर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो. ठीक है यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर सकते हैं नेम दे सकते हैं. जब आप एक वर्क स्पेस बनाओगे तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर आता है. ठीक है तो जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा प्लेटफॉर्म पे कि एक फोल्डर स्ट्रक्चर आता है पहले से कुछ फोल्डर्स बने हुए होते हैं. ठीक है उनका मतलब क्या होता है देखते हैं. तो जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारे फोल्डर्स है ना वो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक आर्टिफैक्ट्स. ठीक है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पे हम जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका सोर्स कोड लिखते हैं. ठीक है जो कि डॉट सोल के साथ एक्सटेंशन है इसकी सॉलिडिटी की डॉट सोल. जैसे पाइथन की डॉट py होती है
ऐसे ही सॉलिडिटी की डॉट सोल होती है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल कर देते हैं तो जो हम बात कर रहे हैं कि एक जेसन फाइल बिल्ड होती है वो आर्टिफैक्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो भी कंपाइल करने के बाद आउटपुट आता है वो स्टोर करता है, जैसे यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स जो है वो जेसन फाइल स्टोर करता है जिसमें हमारी ABI और बाइट कोड होता है, ठीक है। अभी जो एक और फोल्डर है ना स्क्रिप्ट्स, वो होता है जावा स्क्रिप्ट फाइल को स्टोर करने के लिए, जिससे कि तुम इंटरैक्ट करते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मतलब जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हम बात कर रहे हैं कि यूज़र उससे इंटरेक्ट कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट्स चाहिए होंगी जो कि जावा स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और उनके लिए एक अलग से फोल्डर बनाते हैं स्क्रिप्ट्स और उसके अंदर हम लिखते हैं। अभी इसके पहले हम देखते हैं, तो जैसे ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाए, हमने एक हेलो वर्ल्ड डॉट SOL प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने बात किया एग्जांपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की, सेम है, पहले हम लाइसेंस डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वो किस वर्जन में हम लिख रहे हैं वो डिफाइन करते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम उसका वर्ड लिखते हैं कि मतलब किस नेम से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है प्रिंट, ठीक है, जो कि पब्लिक है। प्योर प्योर का मतलब है ब्लॉकचेन जो है उसकी स्टेट को ना तो रीड कर रहा है ना राइट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक स्टेटमेंट, क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि टेम्परेली मेमोरी में स्टोर करता है। वो स्ट्रिंग क्या है, हमारी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, तो ये प्रोग्राम हमने लिख लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर रहता है। यहाँ पे साइड में थर्ड ऑप्शन होता है सॉलिडिटी कंपाइलर, उस पर जाना है। स्टार्टिंग में हम जो हमारी वर्जन है कॉन्ट्रैक्ट का वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें लेटेस्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बटन आता है कंपाइल हेलो वर्ल्ड डॉट सोल, इसको क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करोगे ना साइड में चेक आ जाएगा कि वो कंपाइल हो गया है, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की थी, जब कंपाइल हो जाता है तो हमारे पास दो चीज़ आती है, एक जेसन फाइल बनती है जिसके अंदर ABI रहता है और बाइट कोड रहता है। रिमिक्स क्या करता है ना, डायरेक्टली कॉपी करने का ऑप्शन देता है यहाँ पे ABI और बाइट कोड को, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। बाकी फोल्डर्स में जाके आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो बिल्ड इन्फो है उसके अंदर हमारी वो जेसन फाइल आती है, वो जेसन फाइल खोलते हैं। अब इस जेसन फाइल में डिफाइन रहता है ABI क्या है, जो ABI की हम बात कर रहे हैं ना एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, वो है पूरा कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या मेथड्स रहेंगे इधर। तो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हम कोई भी इनपुट नहीं ले रहे, राइट। जो हमारा फंक्शन है उसका नाम क्या, प्रिंट है। आउटपुट क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग आउटपुट कर रहा है। टाइप क्या है, जो आउटपुट दे रहा है उसका स्ट्रिंग है, ठीक है। बाकी इसमें पूरी डिटेल्स रहती है, अगर कुछ इनपुट लेते तो वो आ जाता है क्या फंक्शन है। जैसे यहाँ पे जो हम रिटर्न, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर एक फंक्शन ही डिफाइन किया है बेसिकली हमने, तो यहाँ पे वो टाइप में फंक्शन दे देता है। बाकी यहाँ पे हम बाइट कोड भी ढूंढ सकते हैं, देखो यहाँ पे बाइट कोड भी है, ऑप कोड भी है, जिससे कि हम गैस मेजर करते हैं कि कितना इस कॉन्ट्रैक्ट को रन करने में गैस लगेगी या फी लगेगी। तो ये तो था कि कंपाइल कैसे करते हैं हम हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। वही बेसिक से स्टेप है, बटन क्लिक करना और कंपाइल हो जाता है। उसके बाद ABI और बाइट कोड आप यहाँ से भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो या फिर फाइल से भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। अभी डिप्लॉय कैसे करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे हमने बात की कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय रहता है ऑलरेडी, वो यहाँ पे कर सकते हैं हम रिमिक्स पे। तो ये जो फोर्थ वाला है डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन, उस पे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे ना कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक EVM पे रन होता है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होता है। तो यहाँ से रिमिक्स हमें काफ़ी सारे EVM प्रोवाइड करता है, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वाला सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि बात की थी, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली क्या है, इथेरियम अकाउंट है जिसमें कुछ तो इथर्स हैं हमारे पास जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो कि अपने आप ऑपरेट होते हैं। तो ये ब्लॉकचेन पे रहता है तो हमें एक अकाउंट चाहिए ना, तो यहाँ से हम अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं इस पे रिमिक्स पे।
उसके बाद एस्टिमेटेड गैस लिमिट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो डिप्लॉय का बटन है ना, इसको जब क्लिक करेंगे तो यू सी यहाँ पे साइड में लॉक्स भी आ जाते हैं कि ये कंपाइल हो गया। अब डिप्लॉय जब हो जाएगा उसके बाद नीचे ये जो डिप्लॉयड और अनपिंड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वहाँ पे जाना है। अब रिमिक्स क्या करता है ना, जो जो तुमने फंक्शंस बनाए हैं उनके ऐसे ही ऐसे बटन्स में दिखा देता है कि तुम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो हमने प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको कॉल करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे यहाँ पे इसने रिटर्न किया, जैसे हमने अंदर लिखा था कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे उसने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग रिटर्न की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक और चीज़ कि जब भी कोई चेंज करते हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसे हमें पहले कंपाइल करना पड़ेगा देन डिप्लॉय। जैसे कि हम कोई भी फाइल करते हैं उसको सेव करना पड़ता है देन रन करते हैं, यहाँ पे हमें कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कंपाइल करते हैं तो वो ABI और जो बाइट कोड होता है वो चेंज होता है। जैसे हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू डालते हैं, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल के बाद डिप्लॉय करना पड़ेगा। जब हम डिप्लॉय कर देंगे तो यहाँ पे जो लिस्ट आती है ना डिप्लॉयड और अनपिंड कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसमें एक और डिप्लॉयमेंट आ जाएगी। एंड जब हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो जो अभी हमने चेंज किया वो हमें आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं हम इस सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय रहता है, अगर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा तो उसकी एक एड्रेस तो होगा ना ब्लॉकचेन पे, तो वो एड्रेस भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली कॉपी कर सकता है। ये जो है ये मेन ब्लॉकचेन पे अभी नहीं हो रहा है डिप्लॉय, ये रिमिक्स के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा है, क्योंकि ये एक हमें टेस्ट एनवायरनमेंट दे रहा है। ठीक है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करने के लिए। तो एक एग्जांपल हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं सॉलिडिटी में। अब देखते हैं कि कुछ थोड़ा एडवांस कि स्टोर और रिट्रीव कैसे करेंगे वैल्यू को, किसी भी एक नंबर को हमें स्टोर करना है और उसको बाद में लेना है, वो कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग का कोड तो सिमिलर रहता है, स्टार्टिंग में पहले लाइसेंस डिफाइन करते हैं, उसके बाद किस वर्जन में तुम कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो वो डिफाइन करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे सिंपल स्टोरेज यहाँ पे नाम लिखा है हमने कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद हम एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे। स्टेट वेरिएबल क्या होता है ये आगे जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बेसिकली यहाँ पे हमने uint 256 मतलब अनसाइंड इंटीजर 256 बाइट का एक डिफाइन किया है जिसका नाम है स्टोर्ड नंबर्स। ठीक है, ये प्राइवेट है, मतलब ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो प्राइवेट ग्लोबल और लोकल हम यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वही है कि मतलब ये जो है ये जो वेरिएबल है ये इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने दो फंक्शन डिफाइन करे, एक सेट का और एक गेट का। सेट मतलब वही है कि मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है इस वेरिएबल में, तो हमने क्या किया फंक्शन डिफाइन किया, नाम लिखा फंक्शन का, उसके बाद हम क्या पास कर रहे हैं इस फंक्शन में, एक नंबर पास कर रहे हैं हम इस फंक्शन में। ठीक है, ये फंक्शन पब्लिक है, उसके बाद ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने ये नंबर को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें लेना है वेरिएबल गेट करना है तो उसके लिए गेट फंक्शन लिखा, पब्लिक लिखा कि ये जो फंक्शन है पब्लिक है ये कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद यहाँ पे हमने व्यू लिखा, लास्ट टाइम हमने लिखा था प्योर, अभी हमने लिखा व्यू। लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे ना, जब हमने प्योर लिखा, जब हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख रहे थे, ना तो हम ब्लॉकचेन की स्टेट को रीड कर रहे थे ना उस पर राइट कर रहे थे। ठीक है, व्यू का मतलब है कि तुम ब्लॉकचेन की स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो लेकिन रीड कर रहे हो, तो इसलिए हम यहाँ पे व्यू लिखते हैं। उसके बाद क्या रिटर्न करेगा ये, एक अनसाइंड इंटीजर रिटर्न करेगा। कौन सा इंटीजर रिटर्न करेगा, उसके अंदर एग्जीक्यूट करा हमने, यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी कि ये जो नंबर हमने स्टोर किया है इसको रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सेट और गेट फंक्शन, कैसे स्टोर करना और रिट्रीव करना है। तो इसको रिमिक्स पे चेक करते हैं।
सेम फंक्शन है, पहले लाइसेंस डिफाइन किया, फिर वर्जन डिफाइन किया, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कॉन्ट्रैक्ट में पहले हमने एक वेरिएबल डाला, उसके बाद दो फंक्शन लिखे, सेट करने का और गेट करने का, सेट मतलब स्टोर करने का, गेट मतलब रिट्रीव करने का। हमने यहाँ पे अंदर सेट किया इस वेरिएबल में जो हम नंबर ले रहे हैं, और गेट में हमने वो रिटर्न किया। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर बटन आता है प्ले बटन, जब यहाँ पे कंपाइल किया तो यहाँ पे चेक आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ए बी आई और बाइट कोड डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब हमें ये डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय के लिए जो फोर्थ नंबर पे आता है डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद वी एम चेंज भी कर सकते हो, डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हो। ठीक है, अकाउंट भी चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे अकाउंट से प्रोवाइड करते हैं, कोई भी रखो। ठीक है, एंड सिंपली डिप्लॉय वाले बटन पे क्लिक करना है। जब हमने इसको डिप्लॉय वाले बटन पे क्लिक किया ना, तो नीचे जो डिप्लॉयड और अनपिन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक एंट्री आ जाती है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी डिप्लॉय हुआ। इस पे जब क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये जो रिमिक्स है ना, ये उनको ऐसे बटन के उसमें शो करता है ताकि यूज़र इंटरेक्शन को बेटर बनाता है बेसिकली। तो सेट फंक्शन में ये एक वेरिएबल मांग रहा है अनसाइंड इंटीजर 256 बाइट बिट का, जैसे यहाँ पे मैंने 56 जो है 566 जस्ट अ मिनट लोड कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने कोई भी एक इंटीजर डाला, सेट बटन पे क्लिक किया, रन हुआ, लॉग्स में देख सकते हो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जब मैं दोबारा से गेट मतलब रिट्रीव की कॉल मारूंगी तो नीचे यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ये शो कर देगा, जैसे मैंने 12 स्टोर किया था तो इसने 12 प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको अपडेट करती हूँ, मैंने 44 नंबर डाला, सेट किया, तो मतलब वो स्टोर हो गया, और जब हम उसको गेट करेंगे तो हम उसी वैल्यू को लेंगे, तो इसने अपडेट कर दिया 12 को 44 कर दिया। तो ये था बेसिक स्टोर कैसे करना और रिट्रीव कैसे करना है वैल्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे काफी सारे हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए ये था बेसिक एग्जांपल जो है, जो हमने बात की वही था ये कि यहाँ पे से ये बटन्स के टाइप में दिखा देता है यूज़र इंटरेक्शन को बेटर बनाने के लिए। यहाँ पे तुम नंबर डिफाइन करो, सेट पे क्लिक करो, फिर गेट पे करोगे तो तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कल जब हमने बिटकॉइन की बात की थी तो हमने मेमपूल देखा था, वो भी एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर था बिटकॉइन के लिए। अब ईथर स्कैन है, ईथर स्कैन इथेरियम के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। यहाँ पे आप इथेरियम की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को देख सकते हो, इवन जो हम बाइट कोड और एबीआई बात कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और ये जो बिल्ड हुआ था ना, ये 2015 में बिल्ड हुआ था और लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये ऐसे दिखता है प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर करते हैं इसको, कुछ कुछ फीचर्स देखते हैं इसके। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे जाते हो, सबसे ऊपर तो पहले इथर का प्राइस दिखता है कि क्या प्राइस चल रहा है, उसके बाद क्या एवरेज गैस चल रही है वो दिखती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये सर्च बार दिखता है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस या ट्रांजेक्शन के एड्रेस से सर्च कर सकते हो, ब्लॉक नंबर से सर्च कर सकते हो, किसी भी टोकन के नाम से सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ईथर का प्राइस दिखा रहा है, कितना माइनस में चल रहा है वो दिखा रहा है, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो दिखा रहा है, जो अभी गैस का प्राइस चल रहा है वो बताता है यहाँ पे, मार्केट में अभी कितने ज़्यादा ईथर कितनी कैपेसिटी है वो जा रही है। फिर जो लास्ट फाइनलाइज ब्लॉक है जो कि ब्लॉकचेन में ऐड हो चुका है वो ब्लॉक दिखाता है, लास्ट सेफ ब्लॉक। सेफ ब्लॉक का मतलब ये है कि ये वाला ब्लॉक अभी ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी इसको वैलिडेशन चाहिए थी वो इसके पास है, ये अब रिट्रीव नहीं होगा, ये ब्लॉकचेन में ऐड होगा लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है, ये होता है लास्ट सेफ ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ कुछ टेबल्स मिलती हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गैस किसने यूज़ किया है, कितनी फी उसने बनाई है, उसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो सब देख सकते हैं। जैसे हम ट्रांजेक्शन्स पे जब क्लिक करते हैं तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी 24 आवर में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो नंबर दिखा रहा है, उसके बाद कितनी पेंडिंग है, लास्ट 1 आवर की कितनी ट्रांजेक्शन पेंडिंग है उनका एवरेज दिखा रहा है, उसके बाद कितनी नेटवर्क ट्रांजेक्शन फी लगी है लास्ट 24 आवर में वो दिखाता है।
ये सारी लिंक्स हैं, इनके पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सारे चार्ट्स में दिखाता है, ये पूरा एनालिसिस करवाता है। ठीक है, अगेन जैसे ये जो टेबल है इसमें पहले दिखाया कि इस ट्रांजेक्शन का हैश क्या है, क्या मेथड था, क्या ब्लॉक नंबर है, किसने किसको किया, कितनी वैल्यू ईथर उसने ट्रांसफ़र की, कितनी उसको ट्रांजेक्शन फी लगी, वो पूरा दिखाता है। अगर मैं ये ट्रांजेक्शन हैश पे क्लिक करती हूँ तो पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल अगेन दिख जाती है कि ये सक्सेसफुल है, ब्लॉक नंबर किस में ऐड है वो ब्लॉक नंबर दिखा रहा है, ठीक है, किस अकाउंट से किस अकाउंट को हुई है वो दिखा रहा है, क्या वैल्यू ट्रांसफ़र हुई है, उस वैल्यू पे क्या ट्रांजेक्शन फ़ी लगी और क्या गैस प्राइस लगा है वो दिखा रहा है। जब हम मोर डिटेल पे जाते हैं तो हमें और ज़्यादा कि बर्न फी, ट्रांजेक्शन सेविंग फ़ी, गैस फी पूरा डिटेल में देता है। अभी जो बर्न फी वगैरह है ये धीरे धीरे हम आगे जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उनमें आता जाएगा। इसके बाद जब वापस हम डैशबोर्ड, काफ़ी सारे इसमें लिंक्स है, काफ़ी सारे बहुत सारे इसमें पेजेस हैं। जैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिप्लॉय होते हैं ब्लॉकचेन पे। सपोज़ ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम, यहाँ पे वो पहले बता देता है कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एड्रेस ये है, ठीक है, इसमें कितना बैलेंस है, कितनी वैल्यू है, कितने टोकन होल्डिंग है। टोकन होल्डिंग जब हम ERC-20 और ERC-721 पढ़ेंगे तो पता चलेगा टोकन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो बताता है। इसके बाद यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट का टैब होता है, जब इस पे जाओगे तो जो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो कोड है ना वो भी एक्चुअल में हम देख सकते हैं। उसके बाद जो ABI की हम बात कर रहे हैं कि एक ABI होता है और एक बाइट कोड होता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स का। डिप्लॉयड बाइट कोड भी यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे करके हमारे पास इधर काफ़ी सारे डैशबोर्ड्स है, काफ़ी सारे पेजेस है जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन एक अच्छे वे में दी हुई है, चार्ट्स के में दी हुई है, तो ये एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब जो आज की एक्टिविटीज़ है ना वो इथर स्कैन के बेस पे हैं, तो मैं एक्सप्लोर करना है पूरा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको एक्सप्लोर करना है और ये ढूंढ के लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहली एक्टिविटी में क्या है कि हमें वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है जो कि टॉप 50 गैस गजलर्स में आता है। टॉप 50 गैस गजलर मतलब किन लोगों ने सबसे ज़्यादा गैस कंज्यूम की है लास्ट 3 आर में, वो ढूंढना है और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालना है, उसमें कितनी गैस अमाउंट लगी है वो निकालनी है और उसकी फ़ी क्या है, ईथर में फ़ी कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट टास्क है कि जेनेसिस ब्लॉक हमें पता है जो सबसे पहला ब्लॉक होता है जिससे ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई है वो होता है जेनेसिस ब्लॉक, वो ढूंढना है और उसका जो नॉन्स वैल्यू है वो भी हमें दिख जाता है प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम डिटेल्स देखते हैं ना सब ट्रांजेक्शन्स की, वहाँ पे नॉन्स वैल्यू भी दिख जाती है। नॉन्स वैल्यू सबको पता है कि क्या होता है, कि जो हम रैंडम वैल्यू निकालते हैं जिससे हमारा टारगेट हैश आता है वो होती है नॉन्स वैल्यू। और जो हमारा पहला ब्लॉक है ना उसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो ढूंढना है। उसके बाद इस ईयर कितनी ज़्यादा ईथर पे हुए हैं नेटवर्क ट्रांजेक्शन फ़ी में, उसका अमाउंट निकालना है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ईथर पे हुए हैं इस साल नेटवर्क ट्रांजेक्शन फ़ी में, वो अमाउंट निकालनी है, ठीक है। क्या हाईएस्ट प्राइस था ईथर का 2024 में और वो कब हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा हाई प्राइस कब था ईथर का वो निकालना है, और वो कब था, किस डेट पे था वो निकालनी है। ये भी बहुत ईजिली मिल जाता है, एक चार्ट होता है जिसमें पूरा डेट वाइज बताया होता है कि इस दिन ईथर का प्राइस ये था, ठीक है। तो ये तो थी ईथर स्कैन पे जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है। आज हमने सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग भी सीखी, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग में हमने हेलो वर्ल्ड डिप्लॉय किया, हमने एक बेसिक स्टोर और रिट्रीव का प्रोग्राम लिखा। तो अब तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है रिमिक्स पे ही, जो कि काउंट करेगा कितनी बार फंक्शन हमारा कॉल हुआ है, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन लिखना और उसमें तुम्हें काउंट बताने कि अभी एक बार कॉल हुआ, फिर दोबारा कॉल हुआ, जितनी बार वो फंक्शन कॉल होगा उतने वो नंबर या काउंट वो प्रिंट करेगा। तो ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है।